सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम कहते हैं कि कथा में शांति के साथ बैठो और आप सोचते होंगे महाराज हम कहां से शांति को ढूंढ करके लाए, किस किस से जाकर के पूछें कि तेरा नाम शांति है, और इतनी संख्या में अगर एकाध शांति होगी तो उसके साथ में कौन कौन बैठेगा, ये भी बड़ी समस्या है। बोले एक जगह बार बार कहा जा रहा था कथा में कि देखिए माताओं शांति के साथ बैठो, देखो भक्तों शांति के साथ में बैठो। तो हुआ क्या, बोले एक मैया उठ कर के खड़ी हो गई, अपने स्थान को छोड़ा और पंडाल में उठ के खड़ी हुई। बोली सुनो पंडित जी, आपको कथा कहनी हो तो कहो, कथा सुनानी हो तो सुनाओ, और नहीं सुनाना हो तो बड़े प्रेम से जाओ, लेकिन हम शांति के साथ नहीं बैठे। कमला बिमला उर्मिला जिसके साथ कहो सबके साथ बैठ जाएंगे, लेकिन शांति के साथ नहीं बैठे। क्यों? बोले शांति से हमारी 6 महीने से भूला चल रही है। राव कहती है बार बार शांति के साथ बैठो, शांति के साथ बैठो, जिसके साथ कहो कमला बिमला उर्मिला सबके साथ बैठ जाएंगे, लेकिन शांति के साथ नहीं बैठ। कथा कहनी हो या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी वही चक्कर पड़ रहा हो। और इसीलिए हमारी माताएं आपस में बातचीत करती हैं कि किसका नाम है शांति, हम किसके पास जा करके बैठे।